हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम क्या पढ़ाएंगे, दो ऐसे प्रश्न पढ़ाएंगे जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त का जो परिमाप है क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है हमारा 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। 4 × क्या होता है, भुजा होता है। और वृत्त का परिमाप 2πr, जहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर की वैल्यू इसमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 × में है, इधर आएगा तो बटे में, तो 2πr अपान का 4 हो जाएगा, बराबर भुजा के साथ हो जाएगा। और यहाँ से काट देंगे, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 1/2πr, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, भुजा की। अब कहा गया है इनका जो क्षेत्रफल है, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, ये बराबर है, एरिया ऑफ किसका वृत्त का और एरिया ऑफ किसका वर्ग का, दोनों क्या है, बराबर है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और यहाँ से हमने क्या किया है, भुजा का मान निकाल लिया है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर भुजा की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 1/2 πr, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे इसका, 1/2πr इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर का स्क्वायर बराबर 1/2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, आर का भी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे पाई हमारी कितनी है, 2 है, और यहाँ पर केवल 1 था, तो यहाँ पर 1 बच गया, 1/4, और यहाँ पर ये वाला 1 पाई, क्योंकि 1 कट ही गया था हमारा, ठीक है। तो 1 बराबर 1/2 का 4 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, इसको काट दो, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, 7 × 14, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1 बराबर 11 × 11 और 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14। अब इसका रेशियो निकाल लो, 14 × 1 से करेंगे, 14 × 1 = 14, 14 × 1 कितना हो जाएगा, 14 = 11, इसका रेशियो आ गया, इसका रेशियो कितना आ गया, 14:11, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है।